ग्लोबली नॉट ओनली बाय इंडिया बट सारा भारत ही नहीं सारी दुनिया तो सफर कर रही है। तो इंट्रोडक्शन तो स्टार्ट करेंगे अपन। लीडिंग कॉज है डेथ का ग्लोबली। 17.5 मिलियन ग्लोबल में सफ़र कर रहे हैं सभी, मतलब कि हार्ट डिजीज से। उसके बाद है सीवीडी की जो डेथ है वो 5-4% जो है लोग इससे डेथ जो हो रही है इसमें से। इसमें अंडर 70 ईयर्स एज के पीपल हैं जो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इससे। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन। कार्डियोवास्कुलर डिजीज ग्रुप ऑफ डिजीज है। इसमें आज भी हार्ट वेसल्स की और सेकेंड अगर पेरिकार्डाइटिस, अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है पेरिकार्डियम में, नेक्स्ट कार्डियोमायोपैथी जिसमें इनलार्जमेंट हो जाती है मायोकार्डियम में, नेक्स्ट कार्डियम एरिथमिया, नेक्स्ट एनोरिदम एंड वॉल्व डिजीज। अगर कोई वॉल्व है जिसमें ब्लड सप्लाई होती है, अगर उसमें कोई ओपनिंग क्रॉसिंग में प्रॉब्लम आती है उसको, उसके कारण हो सकती है नेक्स्ट कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। चेस्ट पेन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ठीक है, डिजीनेस होगा, फटीग, नोजिया एंड वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट फील होगा, वेट चेंज होगा, एडिमा होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मीन्स कि हम वेस्कुलर डिसीज अगर हो तो हम कैसे ड्रग्स दे के, अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, एमलोडाइपिन दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, एंटी प्लेटलेट, अगर कोई प्लेटलेट फॉर्मेशन हुई है हर्ट में कैसे भी उसको हम एंटी प्लेटलेट दे सकते हैं। अगर वो रिकवर नहीं हो रहा फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, जैसे कॉरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, नेक्स्ट है हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं एक पेशेंट से दूसरे को अगर वो कर सकते हैं, नेक्स्ट एओर्टिक वॉल्व सर्जरी कर सकते हैं। कोविड को अवॉइड करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें और रिड्यूस करें, अपना ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करें और स्ट्रेस से अगर उसको मैनेज करें, और कोई भी डायबिटीज़ है उसको भी कंट्रोल करें, इसकी प्रिवेंशन है। अब डाइट के बारे में छोड़ें, तो मैम जो डाइट होती है हार्ट पेशेंट्स के लिए उनको हम देते हैं कॉम्बिनेशन में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स देते हैं, तो मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम जूसेस प्रेफर करते हैं। तो तो मैम ये डाइट है जो जूसेस के कॉम्बिनेशन जो क्रिएट किए गए हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से, दैट कैन इन्हांस द क्वालिटी ऑफ द हार्ट, दैट कैन इन्हांस द ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ नहीं होगा, हेल्दी हार्ट रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जैसे कि इसमें इन्फ्यूजन, जैसे फर्स्ट है जिंजर और लेमन फ्लेवर्ड वाटर विद दिस। तो मैम वी हैव ट्राइड टू ऑफ दीज जूसेस दैट आर द मोस्ट इफेक्टिव। फर्स्ट वन इज द जिंजर एंड द गार्लिक combination with water, and then the second one we have tried the grapefruit and the coriander water. So sir, पहले आपको हम ये coriander and time मतलब shots की amount में लेते हैं, like very very thin, like one spoon. 2 spoon maximum. ये बहुत strong है तो मैम ये गले में बहुत लगेगा, so बहुत अच्छा, actually इसी में डाल थोड़ा सा ही पड़ना मैम, इसमें और कोई भी ब्लॉकेज से प्रिवेंट करता है। एंड सर बाकी आर द स्मॉल डोसेज ऑफ सॉलिड फूड्स दैट आर हेल्दी फॉर द हार्ट, लाइक पीनट बटर ब्रेड, दैट हैज ओमेगा 6। सर ओनली अ माइनर, लाइक यू आर सपोज टू हैव लाइक वन स्पून ऑफ पीनट बटर विद ब्रेड, सो दैट हैज ओमेगा 6, दैट इज हेल्दी फॉर द हार्ट, सर्कुलेशन फास्ट करता है वो उसकी, बस बेटा उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये एवरी डाइट सर इनमें